हे व्हाट्स अप गाइस, ऋषभ हेयर। और पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कैमरा मार्केट बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे आ गए हैं 48 मेगापिक्सल कैमरा, 64 मेगापिक्सल कैमरा एंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ MI Note 10 विथ 108 मेगापिक्सल कैमरा। सो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताऊँगा कि ये कैमरा वर्क कैसे करते हैं और आप किसी भी डिवाइस में इतने हाई मेगापिक्सल की इमेज कैसे खींच सकते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स फर्स्टली सी हाउ नॉर्मल कैमरा वर्क। नॉर्मल कैमरा में होते हैं मेगापिक्सल जो कि छोटे छोटे पिक्सल्स को मिला के बनते हैं। ये पिक्सल्स अपने आप कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए यूज़ किया जाता है बेयर फिल्टर का या RGB फिल्टर का, जिसमें होते हैं 3 कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, जिनको हर पिक्सल पे ओवरले किया जाता है इंडिविजुअली। इसमें होते हैं रेड 25%, ब्लू 25% एंड ग्रीन 50%, एंड दैट्स हाउ अ कलर्ड इमेज प्रोड्यूसेस। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ दिस हाई मेगापिक्सल सेंसर्स लाइक 108 मेगापिक्सल बाय सैमसंग वर्क्स, एंड द आंसर इज पिक्सल बाइनिंग और टेट्रासेल टेक्नोलॉजी। इसमें यह होता है कि हर पिक्सल पे कलर को ओवरले करने की बजाय यहाँ पे 4 पिक्सल एक कलर को बना देते, विच मीन्स 2x2 एरिया इज ऑफ रेड, 2x2 इज एरिया ऑफ ब्लू एंड 4x2 इज एरिया ऑफ ग्रीन, एंड दैट्स हाउ एन इमेज प्रोड्यूसेस। जो कि टेक्निकली यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का सेंसर 48 मेगापिक्सल की इमेज खींच पाता है और 27 मेगापिक्सल का सेंसर 108 की खींच पाता है। सो नाउ लेट्स जंप टू अवर टॉपिक। सो अगर आपको भी अपने डिवाइस में इतने हाई मेगापिक्सल की इमेज खींचनी है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में कैमरा टू API इनेबल हो, जिसको टेस्ट करने के लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी। इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपके डिवाइस में मैनुअल कैमरा सेटिंग्स लाइक मैनुअल फोकस इनेबल है तो यू आर गुड टू गो। देन यू नीड टू डाउनलोड अ ऐप कॉल्ड SR कैमरा और सुपर रिजोल्यूशन कैमरा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन क्या करती है कि मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके सिंगल इमेज क्रिएट करती है जो कि हाई मेगापिक्सल की होती है। तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है और आपको दिखेंगे दो ऑप्शन, सिक्वेंस साइज एंड SR फैक्टर। सिक्वेंस साइज मतलब कितनी इमेजेस को ये कंबाइन करके एक सिंगल फोटो बनाएगा, तो आपको सिंपली इसको मैक्सिमम 14 रखना है या मिनिमम 8 या 4 रखना है। और SR फैक्टर को आप सिंपली 2 या 3 रख सकते हैं, 4 मत रखिएगा वरना आपका डिवाइस लैग हो सकता है। एंड ये सेटिंग करने के बाद अगर आप नाइट में फोटोग्राफ ले रहे हैं तो आपको सिंपली लो ISO को इनेबल कर देना है या क्लिक कर देना है, एंड दैट्स इट। नो आपको जिसकी भी फोटो लेनी है तो आपको सबसे पहले फोकस कर लेना है ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद फोटो लेनी है सिंपली। उसके बाद ये एक साथ 8 या जितनी भी आपने सेट करी इमेजेस वो खींचेगा, फिर आपको फुल SR पे क्लिक कर लेना है जो कि थोड़ा टाइम ले सकता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 108 मेगापिक्सल की इमेज खींची है। इसे ही करके आप 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल की इमेज भी खींच सकते हैं, जस्ट आपको SR फैक्टर को 2 या 3 पे सेट करना है, एंड यू कैन क्लिक इमेजेस लाइक 48 मेगापिक्सल एज यू कैन सी। सो हेयर इज अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल कैमरा एंड SR कैमरा। जैसा कि आप देख सकते हैं SR कैमरा से इमेज जो प्रोड्यूस हुई है वो ज़्यादा शार्प है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। So that's it for this video. Hope you liked the video. Make sure to like and subscribe to the channel, and I will catch you in the next one.